नमस्कार दर्शकों, न्यूज स्पीक से मैं हूं इशिका शॉ। वैकुंठ मीडिया हाउस में मां गंगे की हिंदी फीचर फिल्म की स्टार कास्टिंग शुरू हुई, जिसमें बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भाग लिया। अब हम आपको दिखाते हैं इस फिल्म की फर्स्ट ऑडिशन के कुछ अंश। मैं गंगा आदिकाल से इस देश की भूमि को उपजाऊ और खुशहाल बनाती आई हूँ। मेरा कसूर क्या है? मैंने मानव, दानव, जीव जंतु, पेड़ पौधों को खुशहाल बनाया है, उनको जीवन दान दिया है। मुझे भी जीवन दान चाहिए। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे सवार लो, मेरे करोड़ों बेटे बेटियों, मुझे सवार लो। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी साफ सुथरे रहना चाहती हूँ। जैसे तुम लोगों को हक है साफ सुथरे रहने का, मुझे भी साफ करो। मैं गंगा हूँ, सदियों सदियों से मैं साफ रहती हूँ, लेकिन आज मुझे क्या दिया जा रहा है? वही गंदगी, वही गंदे नालों में गंगा भरी है। मुझे बचा लो, मुझे भी जीने का हक है। मैं भी जीना चाहती हूँ जैसे आप लोग जी रहे हो। मैं जीना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों ने मिलके मार दिया। मुझे भी जीने का हक है, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती। ये जो बुद्धि मानव जीव है, मानव जाति के, मुझे खत्म कर देना चाहते हैं। मैं क्या थी और मुझे क्या बना दिया? विनती करती हूँ सबसे, मेरा अस्तित्व खत्म होने से पहले मुझे बचा लो। मैं खत्म हो गई तो तुम सब भी खत्म हो जाओगे। मैं गंगा आदिकाल से अब तक भारत की भूमि को पावन, उपजाऊ व खुशहाल बनाती आई हूँ। मैंने आज तक किसी भी मानव, दानव, जानवर, जीव जंतु व पेड़ पौधों किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि मैंने तो सदैव ही सबको जीवन दान दिया है। मेरे करोड़ों बेटों और बेटियों, मुझे सवार लो, मुझे सहेज लो, नहीं तो एक ना एक दिन मेरा वजूद खत्म हो जाएगा। मैं गंगा आदिकाल से भारत की भूमि को पावन और उपजाऊ और खुशहाल जिंदगी देती आई हूँ। मैंने कभी किसी मानव, दानव, जानवर, जीव जंतु, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। क्या मेरा जीने का हक नहीं? मैं तुम्हें सांसें देती हूँ, तुम्हें जीवन देती हूँ, तो क्या तुम्हें मेरे जीवन बचाने का कोई हक नहीं है? ये अगर मैं एक बात बस यही बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह आप जीवन जी रहे हैं, उस तरह मेरा भी हक है मुझे जीवन जीने का। और अगर मेरा अस्तित्व जिस दिन नहीं रहेगा, तो आप लोगों का अस्तित्व भी उसी दिन खत्म हो जाएगा। सिंघानिया, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ, गौर से सुन और भेजे उतर। जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ एक भी सबूत मिला, कसम परवरदिगार की, जितना लोहा मेरे रिवॉल्वर में तेरे भेजे उतार दूंगा, याद रखना। इंस्पेक्टर, जब तुम कानून और कानून के रखवालों को ये बताने जाए कि चौहान को जेल की सलाखों के पीछे डाल आया हूं, रामजादे ये बताना मत भूलना कि 10 साल का वक्त इतना लंबा नहीं कि काटे ना कटे। कसम परवरदिगार की, जिस दिन ये चौहान जेल की सलाखों से बाहर आया, उस दिन तेरे शहर की गलियों की नाली में पानी नहीं, इंसानी खून बहा दूंगा मैं, इंसानी खून। जा चला जा इंस्पेक्टर, जा चला जा। हराम चंदे ने जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं छोड़ूंगा।